गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम आपको क्लास सेवन हिंदी फर्स्ट लेसन 8 प्रायश्चित पढ़ाएंगे। प्रायश्चित का मतलब क्या है? सबसे पहले हम आपको प्रायश्चित का मतलब बताते हैं। प्रायश्चित वो चीज़ होती है जब हमसे कोई गलती रहती, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, फिर हम उसको जब हमको उसका एहसास होता है तो हम उसको कम करने के लिए या तो हम माफ़ी मांगते हैं या हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे उस गलती जो हमसे पाप हो गया है उसको कुछ हम उसको कम कर सकें, तो उसका मतलब होता है प्रायश्चित करना, किसी चीज़ की अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना। तो आज की कहानी का हमारा नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित कहानी में इसे लिखा है भगवती प्रसाद वर्मा जी ने लिखा है और इसमें उन्होंने एक परिवार की कहानी लिखी है कि एक परिवार में एक बहू थी, एक बेटा था और उसकी माँ थी। जो बहू थी वो मात्र 14 साल में उसकी शादी हुई और वो उन्हें ससुराल आ गई थी। छोटी थी और जैसे इतनी बड़ी बच्चों को कोई समझ नहीं होती, वैसी ना समझ भी थी। और होते होते क्या होता है कि तीनों परिवार में रहते हैं, खुश हैं, लेकिन उनके घर में एक बिल्ली भी आ जाती है। बिल्ली जो आ जाती है वो धीरे धीरे होते होते जो ये कबरी बिल्ली है, उसका नाम कबरी है, तो उससे इनकी बहू से जो है वो ज़्यादा हिल मिल जाती है, ज़्यादा ही क्लोज हो जाती है। यानी कहने का मतलब वो कोशिश ये करती है कि वो जहाँ पे उनको सामान रखे वो आके उसको खा जाती है। तो वो बिल्कुल उसको देखती रहती है कि ये क्या रख रही, कहाँ रख रही, कैसे रख रही और मैं उसको सब समेट लूँ। तो वही होता है और होते होते बड़ी वो परेशान हो जाती है और जब वो देखते हैं कि पता चला वो खूब अच्छा अच्छा बना रही है और जब खाने की बारी आई तो पता चला कुछ है ही नहीं, सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया, बिल्ली खा गई। तो क्या होता था, सास की भी मीठी मीठी झेलियाँ उसको झेलनी पड़ती थी और पति की भी झेलनी पड़ती थी। पति बेचारा चुपचाप खा, जो भूखा सूखा मिलता था वही खा लेता, तो उसको गुस्सा आने लगती थी। भाई फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और वो जगह जगह छिपा छिपा के रख देती, लेकिन बिल्ली लगा के आहलाए बैठी रहती। भैया बड़ा सा कटघरा लाया गया कि किसी तरह बिल्ली को पकड़ ले, लेकिन बिल्ली भी चलाक, जैसे जैसे जतन किए जाए उसको पकड़ने के लिए बिल्ली वैसे वैसे चलाक हो जाए। अब वही हो रहा था, लेकिन क्या करें, वो मानी नहीं रही थी और नुकसान कर रही थी। भाई रामू की बहू ने सोचा कि अब तो या तो ये रहेगी या मैं रहूँगी। हुआ ये, उसने खीर बनाई, खीर बना के ताक पर रख दी, फूल एक धातु होती उसके कटोरे में रखी थी, वो अपनी सास के लिए पान लगा रही थी, पान लगा के देने गई, जैसी बिल्ली को मौका मिला बिल्ली ऊपर चढ़ गई और फटाक से पंजा मारा और बर्तन नीचे, और जैसे नीचे गिरा बर्तन भी टूट गया और आराम से बैठ के खीर खा रही थी। उसने देखा, उसे बहुत कसी गुस्सा आई, उसने सोचा कि अब मैं या तो मैं रहूँगी या ये रहूँगी। उसने उस पर क्या किया, उसने दूध रख दिया और उसने कहा ठीक है आओ। और जब बिल्ली आके दूध पीने लगी तो उसने क्या किया, उसको पाटे से मारा, लकड़ी के उससे उसको मारा और बिल्ली वही गिर गई। अब जब गिर गई बिल्ली तो सबसे पहले देख लिया घर की महली ने, जो घर में काम वाम करती है महली ने देख लिया। अब उसने सबसे चिल्लाना शुरू किया, अरे बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई। और जो मिसरानी थी घर की तो वो कहती है कि बिल्ली का मरना एक आदमी के मरने के बराबर होता है, पाप लगेगा और जब तक ये पाप नहीं हट जाता, शुद्धि नहीं हो जाती, घर में खाना नहीं बनेगा, कोई कुछ खाएगा नहीं, कुछ कुछ पिएगा नहीं। अब इसी तरीके से परेशानी चालू हो जाती है। तो जो मिसरानी है वो कहती है कि क्या करें, पंडित जी को बुला लें। तो वो कहती है हाँ भाई बुला के लाओ पंडित जी को। पंडित जी को बुलाया जाता है, परम सुख नाम है पंडित जी का, परम वो आ जाते हैं पंडित जी, नाटे मोटे गोरे से, उनकी चुटिया लंबी सी, ऐसे इस टाइप के बड़ी सी तोंद आ जाते हैं, खाने में भी खुद माहिर भैया वो होता है ना, कुछ संख्या होती है तो जो कि उसको पूरा करना होता पंडितों के लिए, पंडितों को खिलाने के लिए, तो इनकी संख्या से वो पंडित पूरे हुए। अब जब पूछा गया कि क्या किया जाए तो उन्होंने ये कहा कि केवल बिल्ली मरना ही नहीं होता है, बिल्ली किस मुहूर्त में मरी है सबसे बड़ी बात ये होती। तो भैया उन्हें बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में मरी है, एकदम सवेरे सवेरे मरी है। तो भैया उनकी माथे पर लकीरें आ गई और उन्होंने बड़े सोच समझ के कहा ये तो घोर पाप हो गया, कुंभ पाक है और ये है और वो है, वो कुंभ पाक एक तरीके का बहुत ही भयानक नरक होता है। तो अब क्योंकि उसकी सास डर गई, उसने कहा इसके लिए क्या किया जाए। जब उसने पूछा तो कहता है कि वैसे तो विधान है शास्त्र के अनुसार कि जितने वेट की बिल्ली है उतने ही वेट का बिल्ली बना के सोने की
भाई नहीं कराना है मत कराओ, हमें क्या करना, पाप तुम्हें लगेगा और तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है ये, और इस तरीके से उनको चढ़ा भी रहे हैं और उनको परेशान भी कर रहे हैं, यानी डरा भी रहे हैं। अब भैया अगर कुंभी पाप घोर नरक का पाप समझ में सुना तो उसकी सास डर गई और वो सोचने लगती जानी कैसे करे कैसे करे। तो किसी तरीके से बात होते होते उनसे होते हुए ये आता है कि वैसे तो 21 तोले की वो बननी चाहिए, लेकिन चलिए कुछ आगे पीछे कर लेंगे और बात जाकर टिकती है 11 तोले की। फिर ये कहा जाता है कि 11 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दीजिए और उसके बाद जो भी होगा हम उसके बाद पूजा पाठ। फिर ये हुआ कि भैया पूजा पाठ में क्या खर्च किया जाएगा, तो पूजा पाठ का उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने ये कहा कि बहुत कम में हम करवा देंगे, ये आपका करवा देंगे। उसमें उन्होंने कितना कम बताया, देखो उसमें अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 मन घी और 1 मन नमक, ये सामान उन्होंने मांगा, यानी मन। तो ठीक है चलो ये हो गया, ये हो जाएगा पूजा पाठ। अब पंडित जी ने पूजा पाठ की तैयारी करनी शुरू करी, लेकिन अचानक क्या हुआ, जो घर की मिसरानी थी वो गई और उसने देखा कि क्या हुआ है, बिल्ली तो उठ के भाग गई, बिल्ली उठ के भाग गई। तब जाके ये परेशानी ये हुआ कि अब क्या करते जाए, पंडित जी की तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। फिर क्या हुआ, सारा सब खत्म हो गया और पंडित जी के अरमानों पर जब पानी फिर गया तो यही यहाँ पर जो लेखक कहना चाहता है वो यही उनको बताना चाहते हैं कि जो हमारे समाज में बुराइयाँ व्याप्त है, कुप्रथाएं व्याप्त है, उनसे हमको अवगत कराना चाहते हैं हमारे लेखक। कौन है ये हमारे, भगवती प्रसाद वर्मा जी, जो उनका उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों तथा पंडितों के पाखंडों का पर्दाफाश करना और जो हमारे समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा व्याप्त है उसको खत्म करना, इस ओर हमारा ध्यान अंकित करवाना चाहते हैं, इसलिए ये कहानी लिखी गई। आज की कहानी में केवल इतना ही, क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए जाएंगे उसको डिटेल में करिएगा। ओके।